अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिबो लॉग में। तो मैं हूँ शिबो और मैं लेके आई हूँ बिल्कुल ही अलग सी वीडियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है आप लोगों के लिए। तो देखना है वीडियो को पूरा, और पसंद आ जाए तो मेक श्योर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, उसके जरिए आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि वीडियो हम किस चीज़ पर बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अनियन एंड एलोवेरा का ऑयल बनाने वाली हूँ, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों के सिर पे जो टाल सी नज़र आती है, बाल वहाँ के हट जाते हैं, और या फिर जिन लोगों की हेयर ग्रोथ कम है या फिर बाल झड़ते हैं, बहुत सी जो कमी है हमारे सिर में बालों में, वो इससे पूरी होने वाली है इस ऑयल से। तो ऑयल हम बनाने वाले हैं। तो एलोवेरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अनियन भी ले रही हूँ, दोनों को मिक्स करके हमें एक ऑयल बनाना है। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा के आपको फ़ायदे बता देती हूँ। एलोवेरा आपके बालों की लेंथ को बढ़ाएगा, और जो आपका सिर यानी कि आपकी जो टाल है, खोपड़ी है, उसको भी साफ़ करता है। साफ़ यानी कि जो कि हमारे डेंड्रफ वगैरह जमा रहता है सिर में, उसको भी हटा देगा। प्याज यहाँ पे आपके बालों की लेंथ को इंक्रीज करता है, और कोई भी आपके बालों में फंगस लगी होती है उसको भी मार देता है, यानी कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर कर देता है आपके। तो चलिए मैं आपको बनाना बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये ऑयल बनाना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे पैराशूट यानी कि कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है। 500 ml का ये कोकोनट ऑयल है। तो 500 ml की बोतल हमें ले लेनी है, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से ले सकती हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अनियन लिए है, देखिए 5 जो कि मीडियम साइज के अनियन है उसको लिए है, छील लिया है मैंने, यहाँ पे छिलका हटा दिया है, इसको छोटे टुकड़ों में हम यहाँ पे कट कर लेना है। तो सारे अनियन को हम इस तरीके से कट कर लेंगे, जो कि अनियन बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद थे। तो जितनी भी मैं इसकी तारीफ करूँ अनियन की, वो कम है, क्योंकि हमारे बाल अगर झड़ रहे हैं या प्रेगनेंसी के बाद अक्सर महिलाओं के बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा शानदार और जानदार सा होने वाला है। तो मैंने भी इस ऑयल को पहले यूज़ किया है, तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने इस ऑयल का यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना के भी बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये ऑयल आपके लिए। तो देखिए, एलोवेरा मैंने यहाँ पे लिया है। तो एलोवेरा से आपके बालों में जो शाइनिंग नहीं रहती है, वो शाइनिंग बढ़ाएगा, और बालों की लेंथ को भी सही रखेगा। और जो बाल अक्सर उलझ जाते हैं, वो ज़्यादा भी उलझेंगे नहीं। बस आपको क्या करना है, इस ऑयल का यूज़ तकरीबन 1 से 2 मंथ के लिए रेगुलर आपको करना है, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस ऑयल का यूज़ कर सकते हो। तो ऑयल का यूज़ मैं आपको बताऊंगी कब करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑयल बना तो ले, बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल का यूज़ आपको कब करना है। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और देखते रहना है, और पसंद आ जाए तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना है। जेल है, एलोवेरा जो जेल है वो हमने निकाल लिया है, उसको छोटे टुकड़े में हमने कट कर दिया है, और अनियन के साथ ही मैंने एक ही बर्तन में कट किया है। अलग अलग बिल्कुल भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि ऑयल में ही तो हमें डालना है इन दोनों चीज़ों को। तो जो एलोवेरा हमने थोड़ा बड़ा वाला यहाँ पर लिया है, उसका जेल देख सकते हो आप कितना ज़्यादा निकला है। तो इस तरीके से एलोवेरा का हमें पूरा छिलका हटा देना है, और अंदर का जेल हमें ले लेना है। तो ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, मेरे हाथों में एलोवेरा ही हो गया है, तो मैंने अपने हाथों में लगा लिया, क्योंकि मुझे एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ पे मेरी अम्मी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलोवेरा के प्लांट लगे हुए हैं। तो देखिए, हमें लेना है एक लोहे की कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। लोहे की कढ़ाई में मैं ऑयल को बनाने वाली हूँ। तो लोहे की कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है, गैस को ऑन कर लिया है हाई फ्लेम पे। और देखिए, जो ये कोकोनट ऑयल मेरे पास था, उसको हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। पूरे ऑयल को ऐड करना है हमको,
तो देखिए ऑयल हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब ऑयल को हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लेना है बिल्कुल हाई फ्लेम पे। तो लोहे की कढ़ाई में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जो लोहा है कढ़ाई का वो भी हमारे ऑयल में मिक्स हो जाए और उसकी वजह से भी बालों में थोड़ी बहुत जो भी कमियाँ हो वो भी पूरी हो जाए। तो देखिए हमारा ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो हमने जो एलोवेरा और अनियन लिया है उनको ऐड कर लेना है। चाहो तो आप इसमें विटामिन के 2 से 3 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जानदार सी है बालों के लिए, इसलिए हमें तीसरी कोई सी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो अब हम इनको एलोवेरा और अनियन को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इनका जूस और जेल दोनों ही ऑयल में मिक्स ना हो जाए और जो इनका जो पानी है प्याज का और जेल का यानी कि एलोवेरा जेल का वो भी सारा निकल जाए और अच्छा खासा ऑयल हमारा बन के तैयार हो जाए। तब तक हमें प्याज और एलोवेरा को पकाना है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट इनको लग जाने हैं पकने में, तो हाई फ्लेम पर हमें इस तरीके से पकने देना है और स्पून की हेल्प से हमें हिलाते भी रहना है और जलाना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ऑयल हमारा जो अनियन और एलोवेरा है उसकी जलने की बदबूसी ऑयल में से आएगी। तो ये तेल आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा और हेयर की ग्रोथ को भी अच्छे से रखेगा। तो 1 से 2 महीने में आप अपने बालों में फ़र्क देख सकते हो इस ऑयल से। तो आप अपने घर पे इसको बनाइए और मेरे को बताइए कि आपको फ़र्क लगा है या नहीं। देखिए ऑयल में हमें प्याज को इस तरीके से कर लेना है और देखिए जेल भी आप देख सकते हो, सारे जो अनियन और जेल है वो ऊपर आ चुके हैं। अच्छा खासा हमारा ऑयल में इसका जो जूस है वो मिक्स हो चुका है और स्ट्रॉन्ग जो ऑयल है हमारा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। तो अब हमें क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, या फिर अगर आपने सवेरे बनाया हो ऑयल तो शाम तक के लिए छोड़ दे ताकि जो लोहे की कढ़ाई है उसका भी जो लोहे का जो काठ निकलता है वो भी ऑयल में मिक्स हो जाए और भी ज़्यादा हमारा ऑयल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सा बन जाए। और या फिर आपने नाइट में बनाया तो सवेरे तक आप ऑयल को इसी तरीके से कढ़ाई में छोड़ सकते हो। तो ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे इसको 4-5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए, जब भी आप बनाए उस हिसाब से। तो देखिए ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है, मैं आपको अभी चेक करके भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी गर्म नहीं है और तकरीबन 5 घंटे इसे हो चुके हैं, 4-5 घंटे। तो अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे बड़ा सा बर्तन लिया है और छलनी ले लेनी है हमें एक, जिससे हमें ऑयल को छानना है। तो इस तरीके से हमें ऑयल को छान लेना है। तो ऑयल देख सकते हो आप कितना साफ है, बिल्कुल भी इसमें कचरा वगैरह नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो इस तरीके से हमें जो इसका प्याज और एलोवेरा है उसको अलग कर देना है और जो ऑयल है उसको अलग कर देना है। तो इस तरीके से पूरा ऑयल हमें छान लेना है। तो देखिए पूरा जो प्याज है मैंने इसको अलग बर्तन में रख दिया है और भी ऑयल है उसको भी हम पूरा ऑयल को छान लेंगे अच्छे से। तो देखिए अगर आपके बालों में कहीं पे भी टाल पड़ी हुई है या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा छेदे छेदे हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं अपने टाल पे से सिर पे से, तो ये ऑयल वहाँ पे नए बालों को उगाएगा। तो देखिए पूरा ऑयल मैंने यहाँ पे छान लिया है,
कलर आप इसका ऑयल का देख सकते हो थोड़ा रेडनेस पे आ चुका है, क्योंकि लोहे का और अनियन का जो भी हमने जितनी भी चीज़ें इसमें मिक्स की है उस सब का ऑयल ये बन के तैयार हुआ है। तो इसमें आयरन भी है, तो इस तरीके से हमें ऑयल को छान लेना है। अब ऑयल को हम भर लेंगे अब एक कंटेनर में, जिसमें कि हम इसको सेव कर सके जब तक कि ये ख़त्म ना हो। मैंने यहाँ पे एक कांच की बोतल ली है, कोई सी भी ले सकते हो, ज़रूर नहीं है जैसी मैंने ली है कोई सी भी ले सकते हो। अगर आपके पास ऑयल की बोतल है वो भी ले सकते हो, तो फिलहाल तो मैंने ये बोतल ही ली है। तो इसमें हम ऑयल को ऐड कर लेंगे और ऑयल हम इसमें ले लेंगे। ऑयल हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑयल को हमें कब लगाना है। तो ऑयल को हमें नहाने से तकरीबन 2 घंटा पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे पहले आप लगा सकती हो अपने बालों में, जड़ों में, अच्छे से अच्छे उंगलियों की हेल्प से, अपने जो हाथों की उंगली है उनकी हेल्प से आपको जड़ों तक इसको लगाना है, वो पूरे बालों में लगाना है और थोड़ा ज़्यादा लगाना है। और फिर जूड़ा बना के आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसको रखना है। उसके बाद आपको सिर वॉश कर लेना है। सिर वॉश करते टाइम आपको शैम्पू का यूज़ करना है और तकरीबन 1 मिनट के लिए शैम्पू से अपना सिर को धोना है। फिर अच्छे से साफ पानी से आप अपने सिर को धोइए। उसके बाद जब बाप के बाल अच्छे से सूख जाए उसके बाद कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करना है, ताकि कोई दूसरा ऑयल आपका यूज़ ना हो, ताकि एक ही ऑयल से बाल आपके अच्छे खासे बने रहे। क्योंकि हमने कोकोनट ऑयल में ही इसको बनाया है, इसीलिए कोकोनट ऑयल का ही बाद में भी हमें यूज़ करना है। तो नहाने के पहले आपको लगाना है, तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक आपको इस ऑयल का यूज़ करना है। और लगभग आपको जब तक फ़र्क भी नज़र आ जाएगा इस ऑयल से। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, अगर पसंद आ गई हो तो मेक श्योर लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।